राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों के लिए कृषि संबंधी, पशुपालन संबंधी या कृषि यंत्र संबंधी हमेशा वीडियो लाता रहता हूँ। और हमारे पास में बैठे सुरेंद्र जी, तो सुरेंद्र जी के पिछले 3 वीडियो मैंने पहले दे दिया है पार्ट, और ये चौथा पार्ट है उन्हीं वीडियो का। परंतु आज के इस वीडियो के अंदर मैं ये सुरेंद्र जी को ये पूछूंगा कि सुरेंद्र जी, आपके पास कितने एकड़ बताई जमीन आपने? 45 एकड़, 45 एकड़। अच्छा, 45 एकड़ इनके पास ज़मीन है। अब 45 एकड़ के अंदर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा हर तरह की फार्मिंग कर रहे हैं, परंतु मैं सुरेंद्र जी को ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के किसानों के लिए आप क्या कर रहे हो, युवा किसानों के लिए क्या कर रहे हो, कौन कौन से इनको अवार्ड मिला है और इनका लक्ष्य क्या है? मेरे को ये जो देख रहा हूँ इनकी प्लानिंग, तो इनकी भविष्य की जो प्लानिंग देख रहा हूँ, तो ये अरबों खरबों रुपए कमाने की इनकी प्लानिंग है, और मात्र फार्मिंग से। मेरे किसान भाइयों, अगर जुनून और दिमाग और मेहनत अगर काम में ले तो आदमी हर सफलता प्राप्त कर सकता है। इसी तौर पे सुरेंद्र जी का आज हम पूछताछ करेंगे, क्या बात है सुरेंद्र जी, जो मैंने अभी सवाल पूछा है बताया है, उन सवालों का आप सब सही सही जवाब दो भारत के सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, देखो अब समय आ गया है किसानों का। हम वर्षों से देखते आ रहे हैं कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन अब समय है, दोनों सरकार मदद कर रही है किसानों की। अब ये खेती है वो घाटे का सौदा नहीं रहा है, बस थोड़ा पेशेंस रख के और परंपरागत खेती के अलावा जो दूसरी खेती है और वैल्यू एडिशन करके अपने प्रोडक्ट को खेती करनी पड़ेगी। जहाँ तक मेरे से पूछा सम्मान का, पिछले साल 19 में जोबनेर यूनिवर्सिटी में गवर्नर साहब ने मुझे बेस्ट फार्मर का प्राइज़ दिया। उसके अलावा आत्मा योजना के तहत राजस्थान के बेस्ट फार्मर का प्राइज़ मुझे 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने विद्यानगर स्टेडियम में दिया। उसके बाद अभी 16 जुलाई को ICR डे था, उस दिन केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुझे नेशनल हलदर अवार्ड 19 दिया। उसके अलावा झांसी में जो भारतीय चारा आग्रह अनुसंधान केंद्र है, उन्होंने 1 नवंबर को उनके फाउंडेशन डे पे मुझे नेशनल अवार्ड दिया। उसके बाद अभी अभी करनाल में जो हमारा डेयरी अनुसंधान पशुपालन अनुसंधान का केंद्र है, वहाँ भी मुझे ब्रीडिंग के लिए बेस्ट अवार्ड नेशनल अवार्ड दिया। तो इस तरह से 3 नेशनल अवार्ड और स्टेट के दोनों जो CM साहब और गवर्नर ने मुझे सम्मानित किया। मेरा किसान भाइयों से ये कहना है, ख़ासतौर से यहाँ युवा, सैटरडे संडे को मेरे पास 25-30 युवा आते हैं, मैं सबको यही कहता हूँ कि आप पेशेंस के साथ खेती करिए। किसानों की क्या आदत पड़ी है, बीज डाला या सब्जी बोई और 20 दिन 40 दिन 50 दिन में फसल काटी या सब्जी काटी और मंडी में गए पैसे डाले। एक बिजनेसमैन होता है, वो अपनी इंडस्ट्री खोलता है तो 1-2 साल तक पेशेंस रखता है, बिजली का बिल भी जेब में देता है, वो रॉ मटेरियल के पैसे देता है। इसलिए किसानों को भी इसको उद्योग का दर्जा देके और उद्योग की तरह खेती करनी पड़ेगी, तो डेफिनेट इसके अंदर उनको इनकम डबल ही नहीं 3-4 गुना होगी। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है युवाओं का, मैं ये कह रहा हूँ कि आज मेरे 1.5 साल का पोता है और मैं उसको किसान बनाऊँगा। आज कोई माँ बाप हिंदुस्तान में नहीं है जो अपने बेटे को, बेटी को या अपने पोते पोती को किसान बनाना चाहता। मैं मेरे पोते को किसान बनाऊंगा, क्योंकि आने वाला समय है वो अब किसानों का ही है। आप देख रहे हो बड़े बड़े उद्योगपतियों की नज़र खेती बाड़ी और उसके जो वैल्यू एडिशन करने और इसकी तरफ ही सारा ध्यान है। तो मैं कह रहा हूँ किसान भाइयों, ये आप करिए। जहाँ तक आपने पूछा कि भविष्य में आपकी क्या योजना है, मैं देख रहे हो आप 5-6 तरह के पशुओं की ब्रीडिंग कर रहा हूँ, उसके अलावा सारे पशुपालन और बतख मुर्गी पालन ये सब कर रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में घोड़े भी हैं, 2 ऊँट भी हैं, इन सबको से पालते हुए मैं एग्रो टूरिज्म पे काम कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में आपको ये 4 साल का फार्म हो गया है, मैंने इसकी नींव भर दी है, 20% काम कर लिया है। आने वाले 3 साल के अंदर आप यहाँ देखेंगे कि एग्रो टूरिज्म पे बहुत बड़ा काम होने वाला है, और जयपुर के लोग थैला लेके यहाँ शॉपिंग करने आएंगे और टिकट लेके घूमने के लिए आएंगे। यहाँ जो प्राकृतिक चिकित्सालय खोलने जा रहे हैं हम, क्योंकि औषधीय पौधे लगा दिए, फार्मेसी भी यहाँ होगी, तो आप देखेंगे 10-15 कॉटेज सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सालय में होंगे। बड़े बड़े लोग यहाँ रुकेंगे और सुबह योगा करेंगे, यहीं का बना हुआ पूरा ऑर्गेनिक पूरी थाली होगी वो सेवन करेंगे। उसके अलावा स्टीम बाथ है, नेचुरोपैथी है, ये सब चीज़ें यहाँ होंगी, तो टूरिस्टों का रुझान होगा। तो किसान भाइयों से ये कहना है कि अब अपने खेत को
इंडस्ट्री बनाइए, टूरिज्म इंडस्ट्री बनाइए। आप देख रहे हो कोरोना के बाद बहुत से लोग हैं पैसे वाले, वो घूमना फिरना 5-7 स्टार में रुकना कम पसंद करेंगे, या गोबर की ईंटों से और गोबर के मटेरियल से पूरे आप छपरा नुमा झूपे बनाइए, इनके अंदर ये 5-7 स्टार वाले सारे टूरिस्ट यहाँ रुकेंगे। तो अपने खेत को उद्योग का दर्जा दिए, इंडस्ट्री बनाइए, एग्रो टूरिज्म बनाइए, इन सब के साथ आपको इनकम खूब बढ़ेगी। और यही मेरा सब युवाओं से भी कहना है कि अब अपना रुझान है वो खेती बाड़ी की तरफ बढ़ाइए। धन्यवाद। मेरे किसान भाइयों, सुरेंद्र जी बहुत ही सक्षम किसान है, बहुत टैलेंटेड किसान है, बहुत विकसित एडवांस तकनीक के किसान हैं। अगर आप इनका मॉडल देखकर अगर आप कृषि का कार्य करोगे तो आप आगे जरूर बढ़ जाओगे। सुरेंद्र जी देश हित के अंदर, किसान हित के अंदर बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। इनके पास बहुत से युवा आते हैं, पीछे देखोगे तो 2-3 युवा खड़े हैं। तो स्पेशल तौर पे शाम की शाम इनके पास 4-5 युवा एडवाइस लेने के लिए आते हैं कि हमें कुछ रोज़गार बताइए। तो भारत के किसानों की भी इन्होंने बहुत प्रयास, भारत के किसानों के लिए भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इनके साथ साथ इनका जो प्रोडक्ट है ये देख लीजिए आप, ये होम गार्डन किचन गार्डन के लिए, और किसान भाई नर्सरी करते हैं तो नर्सरी के करने के लिए भी ये खाद इन्होंने लॉन्च कर दिया है। दूसरा ये गिर गाय का जो दूध है ये 80 रुपये लीटर जा रहा है, ये देख लीजिए आप, ऑर्गेनिक है बिल्कुल। तो ये देख लीजिए आप, ये दूध है बिल्कुल, तो ये दूध की पैकिंग बाजार में जाती है आराम से, शुद्ध दूध है बिल्कुल। ये बिलोना का घी है, बिलोना का गिर गाय का बिल्कुल, तो ये शुद्ध घी भी है। तो ये इसकी MRP कितनी है? 1800 रुपये के जी, 1800 रुपये पर के जी का ये घी है। मेरे किसान भाइयों, आज भी मैं सुरेंद्र जी का ये धन्यवाद करना चाहूँगा कि किसान भाइयों की आंखें ये खोल रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, अगर आप विकसित हो गए तो तभी आप आगे बढ़ोगे, कुछ नया करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। नहीं तो ये जो पेस्टिसाइड की ये कंपनियां है और भी असामाजिक तत्व है, आपको लूट के खा जाएंगे। मेरे किसान भाइयों, कृषि के अंदर सुरेंद्र जी ने बताया कि कृषि के अंदर आने वाले समय के अंदर रोज़गार बहुत है, इनकम बहुत है, और बड़े बड़े टाटा बिरला और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो कृषि के ऊपर फोकस कर रही है कमाने का। तो उससे अच्छा है ना कि आप विकसित बनो, आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च करो, और भी आपको इनसे हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर मिल जाएंगे। आपको खाद चाहिए, बीज चाहिए, या आपको मतलब कोई भी फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चाहिए, 2-3 प्रोडक्ट लॉन्च है इनका फर्टिलाइज़र, कोई से भी आप ले सकते हो इनसे बात करके आराम से। दूध वगैरह, घी वगैरह सब चीज़ इनके पास है। तो इस तरह से मैं इनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनका प्रयास सफलतापूर्वक सफल हो। और ये वीडियो मैं यहीं अंत कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल घंटी है उसको बाबा जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।